गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन कंप्यूटर क्लास वी विल री राइट एंड लर्न द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट ऑफ आर लेसन नंबर 6। हमने लेसन नंबर 6 की एक्सरसाइज तक कल कंप्लीट लर्न कर लिया है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बेटा। इन क्वेश्चन आंसर्स को आपको आपकी फेयर नोटबुक में दोबारा लिखना है, लर्न करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ बी टैग, आई टैग एंड यू टैग्स। हमें बोल्ड टैग, इटैलिक टैग और अंडरलाइन टैग्स के यूजेस बताने हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ बोल्ड टैग। द टेक्स्ट इन बिटवीन द टैग्स विल बी बोल्ड एंड स्टैंड आउट अगेंस्ट टेक्स्ट अराउंड इट, सेम एज इन अ वर्ड प्रोसेसर। कह रहा है जो भी टेक्स्ट हम बोल्ड टैग्स के बीच में लिखेंगे, यानी कि उसे ओपन और उसके क्लोज होने के बीच में जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो अलग से दिखाई देगा, बोल्ड की फॉर्म में दिखाई देगा, जैसा कि वर्ड प्रोसेसर्स में होता है। यानी कि जो वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या ओपन ऑफिस राइटर है, इसमें जो हम टेक्स्ट पे बोल्ड का इफेक्ट देते हैं, जैसे अलग से दिखाई देता है बोल्ड, यानी कि गहरे करके, उसे हम बोलते हैं बोल्ड टैग। HTML के डॉक्यूमेंट में, यानी कि वेब पेजेस पर, अगर हम किसी भी टेक्स्ट पर बोल्ड इफेक्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उसके लिए हमें कौन सा टैग यूज करना होता है? बोल्ड टैग, जिसे हम बी टैग की फॉर्म में राइट डाउन करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है? बी टैग, ये बीच का एरिया आपका वो टेक्स्ट जिसके ऊपर आपको बोल्ड टेक्स्ट इफेक्ट करना है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, बोल्ड टैग को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा इटैलिक टैग। टू मेक द टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज लुक डिफरेंट यू यूज द आई टैग। कह रहे जब आप वेब पेज में अपने टेक्स्ट को अलग से डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तब हम आई टैग का यूज करते हैं, और आई टैग की फुल फॉर्म होती है इटैलिक टैग। द टेक्स्ट इन बिटवीन द ओपनिंग टैग आई एंड क्लोजिंग टैग आई अपीयर्स इटैलिसाइज्ड। कह रहे जो टेक्स्ट आई टैग के ओपन होने और क्लोज होने के बीच में लिखा जाएगा उस टेक्स्ट के ऊपर कैसा इफेक्ट डलेगा? इटैलिक इफेक्ट डलेगा, यानी कि वो इटैलिक फॉर्म में हमें दिखाई देगा। जैसे हम अपनी नोटबुक में कर्सिव हैंडराइटिंग में टेक्स्ट लिखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट में इटैलिक इफेक्ट वैसा ही डिस्प्ले होता है। उसके बाद इसका सिंटेक्स दिखाया गया है, आई टैग लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, आई टैग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद है हमारे पास अंडरलाइन टैग। टू अंडरलाइन द टैग टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज यू यूज द यू टैग। कह रहे जब भी हमें वेब पेज पे कोई टेक्स्ट अंडरलाइन करना हो, यानी कि जिस वर्ड के नीचे लाइन लगा के दिखानी हो, उसके लिए हम कौन सा टेक्स्ट टैग अप्लाई करेंगे? यू टैग, यानी कि अंडरलाइन टैग। द टेक्स्ट इन बिटवीन द ओपनिंग टैग यू एंड क्लोजिंग टैग यू अपीयर्स अंडरलाइन। कह रहा जो टेक्स्ट ओपन टैग यू और क्लोजिंग टैग यू के बीच में दिखाया जाएगा वो टेक्स्ट कैसा दिखाई देगा? अंडरलाइन, यानी कि उस लाइन के, उस टेक्स्ट के नीचे क्या लगी होगी? एक लाइन लगी होगी। ये इसका सिंटेक्स है, यू टैग टेक्स्ट और यू टैग क्लोज कर देंगे। ओके, सो ये थे हमारे यूजेज ऑफ बोल्ड टैग, इटैलिक टैग एंड अंडरलाइन टैग। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ SRC एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग। इमेज टैग के SRC एट्रीब्यूट का क्या यूज है हमें वो बताना है। इन द SRC एट्रीब्यूट, यानी कि SRC एट्रीब्यूट में क्या होता है? स्पेसिफाई द एग्जैक्ट पाथ लोकेशन ऑफ एन इमेज वेयर इट इज स्टोर्ड। कि वो हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताती है हमारे इमेज की, कि हमारे कंप्यूटर में जिस इमेज को हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो इमेज हमारे सिस्टम में किस जगह पर स्टोर है, उसका कंप्लीट जो एड्रेस है वो SRC एट्रीब्यूट की हेल्प से ही बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द यूज ऑफ मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग का यूज बताना है। मार्क्यू टैग, दिस टैग इज यूज टू डिस्प्ले स्क्रोलिंग टेक्स्ट ऑन द वेब पेज इट हैज द गिवन एट्रीब्यूट। ये टैग यूज किया जाता है जब हमें वेब पेज पे किसी टेक्स्ट को स्क्रोल करते हुए दिखाना है, यानी कि घुमाते हुए दिखाना है। इसके एट्रीब्यूट दिए गए हैं डायरेक्शन एंड विड्थ। डायरेक्शन मतलब दिशा, कि किस दिशा से कहां मूव करेगा हमारा टेक्स्ट। दिस एट्रीब्यूट हैज 4 पॉसिबल वैल्यूज, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। इसकी 4 वैल्यूज होती हैं, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट इस एट्रीब्यूट की, जिसमें आपको ये दिखाएगा कि टेक्स्ट लेफ्ट से राइट में मूव करे, राइट से लेफ्ट में मूव करे, अप एंड डाउन की फॉर्म में मूव करे। उसके बाद है हमारी विड्थ। विड्थ यानी कि कितनी चौड़ाई इसकी होनी चाहिए। इफ यू वांट टू स्क्रॉल ओवर लेस देन द एंटायर हॉरिजॉन्टल स्पैन यू नीड टू स्पेसिफाई द विड्थ। कह रहा है अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो पूरे एरिया में दिखाई दे, तो इसके लिए आपको क्या लगानी पड़ती है? विड्थ एट्रीब्यूट। बाय डिफॉल्ट जो मार्क्यू टैग है एज द एंटायर स्पैन ऑफ स्क्रीन ऑफ स्क्रॉल ओवर। कह रहा है बहुत स्पैन, जो पूरा का पूरा स्पैन स्पेस यूज करता है स्क्रीन का टेक्स्ट को मूव करवाने के लिए। उसके बाद है डिफाइन हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? लिंक्स आर रेफरेंस दैट रीडायरेक्ट, जो लिंक्स और या रेफरेंस जिसे हम रीडायरेक्ट यूज करते हैं टू अदर वेब पेजेस एंड दीज रेफरेंसेस आर कॉल्ड हाइपरलिंक्स।
इसका मतलब है कि हम ऐसे लिंक्स, ऐसी वेब पेजेस के साथ, जब हमें एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ जोड़ना हो, कनेक्ट करना हो, तो वो हम किसके द्वारा करते हैं? हाइपरलिंक से. जो रेफरेंसेस दी जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइपरलिंक. राइट द फुल फॉर्म ऑफ GIF एंड JPG. हमें GIF और JPG की फुल फॉर्म लिखनी है. GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट एंड JPG जॉइंट प्रोग्राफिक एक्सपर्ट्स. सो होप आपको क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो क्लियर हैं. आज का आपका होमवर्क यही है कि ये क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी फेयर नोटबुक पे राइट डाउन करने हैं एंड लर्न करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.